आज से 20 दिन पहले से यहाँ तैयारी करने लगे थे। प्रभु माँ चरणों में निमंत्रण स्वीकार है, तो ये साकार नारायण हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये जो धार्मिक नारा है, सूरज पाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा मूलतः कासगंज के पटियाली के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। पुलिस कर्मी रहते हुए ही उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया था और उनका ये दावा रहा है कि उनके सीधे उनके भगवान से उनसे रूबरू होते हैं और उसके बाद जो उपदेशों की श्रृंखला शुरू हुई उनकी समाज के खासकर दलित वर्ग के जो फॉलोअर्स हैं उनसे जुड़ना शुरू हुए और उसके बाद एक श्रृंखला चल निकली और उसके बाद आज ये स्थिति है कि बाबा के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान में करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। खासकर ब्रज क्षेत्र में इन फॉलोअर्स की बड़ी संख्या है, लाखों में फॉलोअर्स हैं और बाबा के लिए ये फॉलोअर्स ये अनुयायी पूरी तरह से मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। कहा यह जाता है कि तमाम कदाचारों की वजह से उन पर आरोप लगे और उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल ही सामान्य परिवार से रहने वाले नारायण साकार हरि आज एक वर्ग के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, उनको भगवान के तुल्य समझा जाता है। और यही वजह है कि कल जब फुलरई गांव के खेतों में जहां ये सत्संग हो रहा है उनकी गाड़ी जैसे ही इस मंजिल से रवाना हुई, तमाम जो महिला जो फॉलोअर्स हैं और जो बच्चे हैं उन्होंने उनकी चरण रज लेना शुरू किया और कई लोगों ने अपने शादी के जो कार्ड हैं उनको बिछाना शुरू किया और जो बाबा का जो चमत्कार उसी समय शीतकार में तब्दील हो गया। लगातार जो उनके कमांडोज थे वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, लेकिन पीछे से जो दबाव बढ़ रहा था और उससे जो रास्ता है वो खतरा होता चला गया और ऑक्सीजन की कमी होती चली गई। कुछ लोग फिसलन की वजह से, क्योंकि बारिश हुई, नीचे करीब दो से तीन मीटर गड्ढा है उसमें गिरते चले गए। और ऐसे में अब देखिए ये दिखा सकते हैं कि यहाँ जो तमाम जो निशानियाँ हैं इस मंजर की उनके, देखिए तमाम लोगों के जो भक्तों के जो कार्ड हैं आधार कार्ड हैं उससे आप समझ सकते हैं कि ये विरमा देवी है, ये सीमा देवी है, ये जो तमाम लोगों के ये भक्तों के कार्ड हैं आधार कार्ड यहाँ पड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप समझ सकते हैं किस तरह से बाबा को एक बिल्कुल देवता तुल्य माना जाता था। यही वजह है कि तमाम जो शादियों के जो कार्ड हैं तमाम आप देख सकते हैं कि राजकुमार शंखवार सोजाबाद के रहने वाले सोजाबाद से आए हुए हैं। और एक और मैं आपको कार्ड दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये कार्ड पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से ये कार्ड हैं। ये आप देख सकते हैं बरेली के ये रहने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि और भी कार्ड दिखाना चाहता हूँ, बुलंदशहर डॉक्टर गंगाचरण डीलर हैं कोई, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ये यहाँ पहुँचे हुए थे इस कार्ड को लेकर। उनको लगता है कि उनके बेटे बेटियों के जो भी जो मांगलिक कार्यक्रम हैं उसमें बाबा की एक नज़र दृष्टि एक तरह से दिव्य दृष्टि में तब्दील हो जाएगी। देखिए मुन्नी देवी ये हाथरस की ही रहने वाली हैं, वो उनके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम था। ये देखिए हरियाणा नरवाना जिंद के रहने वाले हैं। देखिए और भी मैं कार्ड आपको दिखाना चाहता हूँ, ताराचंद किरावली आगरा के रहने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ और भी कार्ड दिए जाएं, इससे समझा जा सकता है कि बाबा के फॉलोअर्स और बाबा का बड़ा। देखिए ये जो कार्ड है इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है और उन्होंने लिखा है कि साकार नारायण हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, प्रभु माँ चरणों में निमंत्रण स्वीकार है। तो ये साकार नारायण हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये जो धार्मिक नारा है ये हमेशा बाबा के भक्तों के बीच एक तरह से जो विशेष होती है अभिवादन स्वीकार करने का ये नारा रहा है। और देखिए किस तरह से ये सीतापुर से लखनऊ से लगा हुआ जनपद है सीतापुर, वहाँ से ये आए हुए हैं। रामलाल सिंह हैं कासगंज के रहने वाले हैं, उनकी भी उनके घर में भी शादी थी तो वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। दिनेश चंद सक्सेना हैं शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, वो भी कार्ड को लेकर पहुँचे हुए थे। श्रीमती रानी देवी ये अलीगढ़ के, तो आप समझ सकते हैं कि ये केवल ना केवल हाथरस का स्थानीय कार्यक्रम नहीं था। और यही वजह है कि 80,000 लोगों की यहाँ अनुमति मांगी गई थी लेकिन लाखों की तादाद में लोग पहुँचे थे और जो पुलिस ने FIR दर्ज कराई है उसमें तो 2.5 लाख लोगों की बात कही गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कि जब आस्था के आगे तर्क फेल हो जाते हैं, आस्था के आगे आपकी वैज्ञानिकता फेल हो जाती है, आस्था के आगे आपका जो साइंटिफिक अप्रोच है
वो पूरी तरह से फेल हो जाती है और आस्था के आगे कोई भी किसी भी तरह की आप रैशनैलिटी जो होती है वो फेल हो जाती है। और यही वजह है उसकी परिणति क्या होती है, उसकी परिणति ये होती है कि जब लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है तब इस तरह के हादसे होते हैं और भक्त किसी भी तरह के सवाल बाबा पर नहीं खड़ा करना चाहते। और यही वजह है कि बाबा के जितने भी आश्रम हैं हाथरस के अड़ोस पड़ोस जिलों में वहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे हुए हैं। और चलिए इसी बीच बात कर लेते हैं जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे, ये बात कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या नज़ारा देखा कल का। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? यतेंद्र कुमार। यतेंद्र जी ये बताइए आप क्या बाबा के भक्त हैं या ग्रामीण हैं? बाबा के भक्त नहीं, हम ग्रामीण हैं। ग्रामीण है, फुलराई गांव के या उमरायपुर गांव है? उमरायपुर। कितनी दूर है यहाँ? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। तो कल तो सड़कों पर रैला ही रैला होगा। यहाँ सड़कों पर बहुत बड़ा सैलाब था, यहाँ से लेके 8 किलोमीटर दूर एटा रोड पर लाइन थी, अलीगढ़ रोड पर लाइन थी, काचन रोड पर लाइन थी, देहात के लिंक रोड है उन पर भी बहुत लंबी लंबी वाहनों की लाइन थी। बाबा का की जो फॉलोअर्स है, अनुयायी है, एक खास वर्ग से है, दलित पिछड़े वर्गों में ज्यादा खास जाटव समाज से, तो क्या सोच रहती है, किस तरह की बताते हैं कि उनके हर हफ्ते कार्यक्रम होते हैं, वो उनके हर हफ्ते कार्यक्रम होते हैं, वो अपने इस बाबा ढोंगी बाबा कह लो या भोले बाबा कह लो कुछ भी कह लो, वो अपने भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं किसी को। और ऐसा होता है कि भक्त आज से 20 दिन पहले से यहाँ तैयारी करने लगे थे, मेड़ों की घास कुछना, ये करना वो करना, तमाम ये अपने भगवान लोग मानते हैं इस भक्तों को। तो बताते हैं उनकी पूरी खुद की सेना है, मतलब एक आर्मी है, उनका खुद का फोर्स है। महिलाएं पिंक कलर की साड़ी पहनती है और वो कमांडो जो ब्लैक कलर के कुछ कपड़े पहनते हैं, वो अपना खुद का ही फोर्स रखते हैं, प्रशासन पर इतना फोर्स मांगते भी नहीं है, प्रशासन की सुविधा भी बहुत कम थी। आप बताइए आप क्या देख रहे थे कल, आपने क्या देखा? मैंने तो यहाँ पर जो मैं आया था यहाँ बाबा चले गए, बाबा जाने के बाद बहुत भीड़ थी यहाँ, बहुत लोग परेशान थे, मैंने उठा के उनको मतलब ऊपर डाला, निकाल निकाल के। अच्छा आपने खुद निकाला? मतलब घटना हुई तो आप मौजूद थे? मौजूद था मैं। तो क्या हो क्या रहा था, क्या मंजर था? मैंने तो जब मैं जा रहा सिकंदराव के लिए गुजर रहा था, मैंने गाड़ी खड़ी करके मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया, मैंने भाई कुछ तो कर ही लूँ सेवा, सेवा कर लूँ। लेकिन क्या लग रहा क्या हुआ, मतलब कि वो एक के ऊपर गिरने लगी, मतलब हजारों की लाखों की संख्या एक के ऊपर का, हजारों आदमी एक सेकंड के उतर, एक मिनट में उतर रहे हैं, तो कितने आदमी उतरेंगे, एक सफोकेशन हो गया, दम नीचे, किसी की दम घुट रही है, किसी का कुछ घुट रहा है। और जो उनके उनका जो बल था, फोर्स था, वो लोग भी मदद नहीं कर रहे थे, वो भाग गए थे। आप क्या आप बताइए, आप बोलिए, आप जितने लोग दबे थे उन्होंने पूरी एक बेटी जी मेरी जितनी एज की होती थी एक्सपायर हुई है यहाँ मोहल्ले के कमांडो जो थे बाबा के, क्या वो मदद कर रहे थे? बिल्कुल मदद कर रहे थे, वो आते ही इसीलिए है मदद करने के लिए। अच्छा लेकिन जो रिपोर्ट लगाई गई है, लिखी गई है रिपोर्ट, उसमें कहा है कि बाबा भीड़ का रैला आगे बढ़ रहा था, फिर कमांडो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो सरकारी रिपोर्ट है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे वो इस ताबे थे, यहाँ से जैसे एग्जिट रोड ये है, यहाँ से एग्जिट मारा था उन्होंने, तो एग जाते जैसे बाबा की रैली जा रही थी, बाबा जी की, तो जैसे वो गए यहाँ से गाड़ी जा रही है उनकी, तो जिनके पीछे जो भाग रहे थे, भीड़ इतनी तैनात थी कि कमांडो नहीं रोक पाए उनको, कमांडो इतने नहीं थे क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, सैलाब था काफी यहाँ भीड़ का, जैसे कि ये बाबा ने आपके मुताबिक उनकी जो फोर्स है बाबा की वो मदद कर रही है, बिल्कुल आते ही मदद करने, बिल्कुल मदद कर रही है, विरोधावास इसलिए है कि सरकारी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, 110% थी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि पाखंड है या कुछ भी है, बाबा जो है वो है, भाई जहाँ तुम्हें आराम मिल रहा, जहाँ तुम जा रहे हो वो तुम्हारे लिए भगवान है, जहाँ तुम्हारा बुरा हो रहा है, भाई ने कहा था जहाँ तुम्हारा बुरा हो रहा है उसको तुम बुरा कहोगे, तुम किसी को भी सही है, जहाँ जा रहे हो किसी को गलत नहीं बोलते, और जितनी भीड़ थी उस तैनात में, मुझे लग रहा है कि आप भावनात्मक तौर पर बाबा से जुड़े हुए, सेंटीमेंट, मैं भावनात्मक तौर पर किसी नहीं जुड़ा हूँ, आप मतलब फॉलोअर है उनके, फॉलोअर भी नहीं हूँ, फिर आप कैसे बोल रहे हो भैया, जो सच है जो जहाँ का लाइव दे रहा है, नाराज हो गए यार, बिल्कुल लाइव दे रहा है, बिल्कुल लाइव देखा है मैंने, वही बता रहा हूँ आपको मैं, अच्छा बिल्कुल, और यहाँ से छोड़ो मैंने हॉस्पिटल गया, ये कहा जाता है मैंने जो उनके फॉलोअर्स है वो बाबा उनसे ये दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, साक्षात मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मानो तो आप सब कुछ है, अच्छा नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो आप कब कितने साल से जुड़े हुए हैं? नहीं मैं कोई जुड़ा नहीं। आपके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं? हाँ मेरे परिवार से। अच्छा हाँ, तो कहाँ कहाँ जाते हैं वो? सब आते हैं, परिवार से कहीं नहीं जाता, जा तो कोई नहीं जाता, नहीं आते हैं, जैसे यहाँ आज 12 साल में आए, 2012 में आए थे जब हम नहीं जुड़े थे, ठीक है,
हम नहीं जुड़े थे, नहीं मेरे परिवार को जा रहा था। अब ये कहते हैं कि बाबा के प्रोग्राम में कोई कैमरा नहीं चलता, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, और कोई वीडियो बनाता तो रोक दिया जाता है। बाबा कैमरे की चकाचौंध से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक कैमरा चलता है उनका, जो उनके चैनल हो मुझे नहीं पता था कौन से चैनल हो, एक एक चलता है ओनली, और किसी को वीडियो एंड फोटो खींचने की कोई परमिशन नहीं है। आपको क्या लगता है एक फॉलोअर के तौर पर, मुझे लग रहा है क्योंकि आप उनकी फेवर में बोल रहे हैं, तो उनको क्या नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए? बाबा को क्या लगता था कि हाँ इस पूरी व्यवस्था जब भगदड़ मची तो उनको भागना नहीं चाहिए था, जाना नहीं चाहिए? बाबा बाबा निकल गए यहाँ से, उसके बाद जो जैसे चलता भागी है, पीछे भागी है, चलता तो उनके पीछे भागी है, ठीक है, और जनता इतनी है अनकाउंटेबल, ठीक है, हाँ जनता इतनी है, सबको पता हुआ ये वाली बात, जनता इतनी थी अनकाउंटेबल, तो जैसे है जे लोग भागे हैं, मान नॉर्मली भागे वो लोग हैं जिनके जैसे दर्शन नहीं होते हैं, कुछ लोगों के दर्शन नहीं हुए हैं, वहाँ भीड़ थी मतलब सैलाब था भागा। बताते हैं कि जो उनके बाबा का अनुयायी है उनके लिए बाबा एक भगवान तुल्य है, तो यही वजह की तमाम जो शादी कोई मांगलिक कार्यक्रम है तो यहाँ जितने भी सभी लोग ये चाहते थे बाबा की दिव्य दृष्टि इन कारणों पर पड़े, ताकि जो बेटे और बेटियों की शादी हो रही है परिणय सूत्र में बदल रहे पूरा जो वैवाहिक जीवन शुभ बना रहे। जैसे कि जो किसी को मान लेता है अपने मन से श्रद्धा से मान लेता है वो उसका भगवान बन जाता है। जिंदगी में कुछ चमत्कार हुआ है बाबा? जिंदगी में चमत्कार है आपके लिए, मैं व्यक्तिगत आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो तो गलत किसी के साथ नहीं कर सकते थे आप, तो चमत्कार ही आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा तो चमत्कार ही, आप अच्छा कर रहे हो, ये नहीं है कि मुझे ये तो हुए, इनका मतलब है नेकी की राह पे चलना। बाबा क्या बताते हैं आप जब सत्संग में रहते, क्या बताते हैं भक्तों से, किस तरह की बात है भक्तों से? यही कि जैसे कोई भी चीज सपोज किसी के साथ गलत नहीं करना, नहीं होना, तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ ही गलत होगा, ये चीज है कोई मतलब सत्य पे चलना। सत्संग में ये बताते हैं कि सत्य पर चलो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो क्या बताते हैं कि बाबा की पूरी आर्मी है उनको कवर किए रहती है, भक्त लोग मिल पाते हैं उनके, क्योंकि इतना ज्यादा लोग उनके लिए डेडिकेटेड है कि उनकी चरण रज को जेब में रखना चाहते हैं, ये उसको अपने घर ले जाना चाहते हैं, मंच है यहाँ बैठते हैं बाबा, ठीक है, ये इनका जहाँ जनता बैठती है भक्त यहाँ बैठते हैं, यहाँ से वहाँ तक जो टेंट है वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि रोड भी नॉर्मल एक साइड से चल रहा था, जैसे डबल साइड में होती जगह नहीं, स्पेस नहीं था रोड पे, उधर साइड भी स्पेस नहीं था रोड पे, क्योंकि काफ़ी जगह में भंडारा पानी प्रसाद जिस सेवा में लगे थे लोग वहाँ पर वो जो भीड़ है। अब जब गाड़ी निकली उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है, और बाबा से आप मिलते ही कह रहे हो, जैसे यहाँ बैठे हैं बाबा तो यहाँ से तो मिल सकते हो, पास जाने की अथॉरिटी नहीं है किसी को, परमिशन पास जाने की अथॉरिटी नहीं है, बाबा का पूरा फोर्स उनको पूरा कवर अप होता है, कवर अप होता है, और यही वजह की तमाम महिलाएं जो उनसे मिलना चाह रही होंगी तो वो और उनसे मिलना चाह रही होंगी, पैर छूना चाह रही होंगी या कैसे भी एक नजर में उनको देखना चाह रही होंगी, तो वो महिलाओं का जो फ्लो बड़ा है, प्रेशर बड़ा है, और इधर से रास्ता सकरा बताते हैं, उसी में ये घटना हो गई। सही बात बोला है आपने, ये वाली यही हुआ है, जैसे कि बाहर से लोग आते हैं लखीमपुर खीरी वगैरह, यहाँ से लोग आए हैं राजस्थान हरियाणा वगैरह, यहाँ से लोग आए हैं जो लेट हो जाते हैं। तो ये बाबा कुछ आपसे कुछ आर्थिक सहयोग भी मांगते हैं? नो, पैसा चढ़ाइए कुछ किसी भी तरह का, कोई भी कहीं भी चले जाए, जितनी भी दोस्तों होंगे बाबा के 1% नहीं 0.5% कोई मांगते नहीं है, कभी कुछ कुछ नहीं मांगते, एक भी नहीं, एक रुपया नहीं मांगते आपसे, कोई मतलब नहीं है, आप नहीं जानते। तो देखिए ये हमें नजर आ गया, ये बाबा के भक्त हैं, उन्होंने बाबा की तरफ से बात रखी कि बाबा के सत्संग में एक्चुअल होता क्या है, मैंने वो बात रखी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रामीण है, ये सत्संग में नहीं आए क्योंकि अब घटना हो चुकी है, इसलिए घटना स्थल पर मौजूद बाबा को आगे आकर नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए अपने भक्तों के बारे में, लेकिन बाबा का कोई पता ही नहीं है, बाबा का कोई पता ही नहीं है कहाँ है, बाबा को आगे कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए अपने भक्तों की तरफ से। बाबा ये बताओ कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो बाबा का नाम FIR में नहीं है, जबकि वो मुख्य इसके सेंटर पॉइंट है, तो क्या हुआ उसके पीछे, वजह क्या है सरकार? इसकी वजह कुछ सरकारी पॉलिटिक्स मालूम पड़ती है, लेकिन बाबा को नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, बाबा का नाम FIR में होना चाहिए, होना चाहिए बाबा, मैंने तो बाबा का नाम होना चाहिए, भक्तों को क्यों दलवा रहे हैं, अपने भक्तों के खिलाफ FIR हो रही है, बाबा भी तो उसमें मेन थे, बाबा को आना चाहिए आगे अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए, मोरालिटी ग्राउंड पर है, मोरालिटी ग्राउंड पर आना चाहिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए। ये लोगों की, स्थानीय लोगों की, हमने मर्म को टटोलने की कोशिश की है, वो आम लोग मार रहा है, कितने लोगों के नाम, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि मैं अब पूरी तरह से पांडाल उजड़ चुका है, और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मातम का वक्त है, और ये बहुत बड़ा जख्म है, और इस जख्म पर मरहम केवल वक्त लगा सकता है। कई सारे लोग ऐसे होंगे, खासकर जो महिलाएं ऐसी हैं जो बाबा की कृपा अपने परिवार पर चाहने के लिए वो इस सत्संग में पहुंची, लेकिन
उनकी ये अंतिम धार्मिक यात्रा साबित हुई है। और सरकार की तरफ से यूपी सरकार ने 2 लाख रुपए, प्रदेश सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवारी जनों को दिया है। अब देखना ये है कि ये जो धनराशि है ये इस पूरी घटना के लिए, इन पीड़ित परिवारी जनों के लिए नाकाफी है। सरकार ने जो रिपोर्ट मंगाई है 24 घंटे में वो तैयार हो चुकी है। और अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में आकर क्या बोलते हैं, किस तरह का बयान देते हैं और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या SOP तैयार की जाती है। हाथरस से यूपी के लिए उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।